अल कुरैश कल्याण समिति गोरखपुर के पदाधिकारियों और सदस्यों ने गुरुवार को स्लाटर हाउस एवं लाइसेंस नवीनीकरण के संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में मोहम्मद उमर ने बताया कि नगर निगम द्वारा जारी लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए तथा नवीनीकरण की याचना की गई, लेकिन संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे हमारे परिवार के जीविकोपार्जन करने में काफी कठिनाई हो रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मोहम्मद उमर ने कहा। मोहम्मद उमर आए अल कुरैश कल्याण समिति गोरखपुर के तत्वाधान से स्लाटर हाउस बनवाने की सरकार से हमारी मांग है। हम बेरोजगार हो गए हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, एक इतना बड़ा समूह जो है परेशान है और एक समुदाय के सिर्फ खाने के लिए इसको बंद किया गया, ये अनुचित है। सरकार से हमारी मांग है कि कम से कम हम गरीबों के लिए भी रोजी रोटी का इंतजाम करके गोरखपुर में स्लाटर हाउस बनवाने की कृपा करें और हमारा लाइसेंस रिन्यूअल कराया जाए। जबकि गोरखपुर में देखिए, आप पूरे शहर में उत्तर प्रदेश में बकरा मुर्गा सब खुलेआम बिक रहा है, जो कि सब बिना लाइसेंस के हैं, लेकिन सिर्फ हमारे ऊपर ये क्यों परेशानी है, हमारा लाइसेंस क्यों नहीं बनाया जा रहा है, जिसकी मांग हम लोग बरसों से करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सुनी नहीं रही हमारी बात। आज हम लोग भुखमरी के कागार पे हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारी माँ बहनें जो बीमार हैं उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, किसी लड़की की शादी कट जा रही है, पैसा नहीं है, कहाँ से हम लोग अगर काम करें। यही हमारी मांग है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम लोगों की रोजी रोटी बहाल हो।